गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग यासमीन वर्षा संजय विक्रम हिमांशु तेजस्विनी प्रीति निधि सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग राम राम जय श्री कृष्ण आप सभी का स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ मतलब दामिनी के साथ चले गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को तो मेरे ख्याल से आप सभी आ गए हैं जुड़ जुड़ जाइए फटाफट से जी गुड इवनिंग सभी को सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग जिस चीज के या जिस टॉपिक के पी वाई देखने वाले हैं वो आपके सामने दिख रहा होगा ध्वनि और तरंग मतलब वेव एंड साउंड ये टॉपिक है हम लोगों का जिसके एमसीक्यूज आज हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब पर ठीक है तो सभी को मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा होगा वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा जी चले तो आप सभी तक मेरा वॉइस आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है मैं एकदम ठीक हूँ आप सभी कैसे हैं जी सरस्वती रवि रितु सभी को सभी को गुड इवनिंग ये टॉपिक नहीं पढ़ा आरती ऐसा बोल रहे हैं सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है यूट्यूब पे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है सो so, आप वेव एंड साउंड में जाकर के ये टॉपिक पढ़ सकते हो जी बिल्कुल मिस्टर किंग आप जरूर आइएगा सिलेक्शन ले करके मुझसे मिल लें चलिए ओके सो गाइस बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आज हम लोग जो है वेव एंड साउंड मतलब तरंग और ध्वनि फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बताइए आफ्टर ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी के, के बाद या लाइट के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है दैट इज द वेव इन साउंड ठीक है सो चले स्टार्ट करेंगे स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को स्केड्यूल बता दूं सभी को कि एम पी पुलिस कॉन्स्टेबल का जो हम लोगों का शेड्यूल रहता है वो किस टाइप से रहता है सो गाइज मॉर्निंग में जो है करंट अफेयर्स की क्लास रहती है बाय सर ठीक है नाइन ओ क्लाक पर मॉर्निंग में एम पी जी के रहता है राम सर द्वारा ठीक है दस बजे रीजनिंग का क्लास लगता है आप लोगों का जय सर के द्वारा चार बजे स्ट्रैटिकजी के बाय कुंदन सर ठीक है साइंस मेरे द्वारा मतलब शाम को छः बजे और साढ़े आठ बजे मैथ लगता है बाय आदित्य सर ठीक है so, सो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ दामिनी और साइंस के लेक्चरस विनर्स में मेरे द्वारा लिए जाते हैं और दूसरी चीज़ एवरी इवनिंग हम लोग सिक्स टू सेवन यूट्यूब पर सेम टाइमिंग पे मिलते हैं ठीक तो चले जी एकता आपका कमेंट शो हो रहा है मुझे तो मेरे ख्याल से आप सभी जुड़ गए होंगे तो बिना देरी के हम लोग करेंगे टॉपिक स्टार्ट ठीक है सो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा समय अवधि 0.05 सेकंड सहित तरंग की आवृत्ति क्या होगी द टाइम पीरियड विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वे विदो पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड क्या होगा राहुल यादव जी नरेंद्र सर की भी बिल्कुल क्लास होगी जल्दी ही होगी है ना? वेरी गुड रवि त्रिपाठी हमेशा आ, कोशिश करते रहना चाहिए हार नहीं मानना चाहिए और जी चलिए तो पहला ही प्रश्न है आपके सामने द टाइम पीरियड विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वे विद जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड आपके सामने यह दिया है कि समय अवधि जो है जीरो पॉइंट जीरो पांच सेकंड है तो तरंग की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कितनी होगी कितने हर्ट होगी चार ऑप्शन है आपके सामने ठीक है तो अधिकांश का उत्तर बिल्कुल सही है जो कि है ट्वेंटी हर्ट बीस हर्ट्स इसका उत्तर होगा ठीक है कैसे तो भैया हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं mu equals to 1 upon t जो कि होता है t मतलब टाइम पीरियड टाइम टेकन ठीक है सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं uh, mu equals to 1 upon 0.05 equals to हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज ठीक है सो so, पहला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो बीस हर्ट होगा आपको क्या करना रहता है 0.05 जो है नीचे आप इसको डायरेक्ट यहां तो आपको पूरा बताऊं तो 100 अपॉन फाइव करेंगे सो आ जाएगा बीस हर्ट ठीक है so, सो आपको जिस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और आपका उत्तर आ जाएगा ट्वेंटी हर्ट ठीक है so, सो चले बड़े आगे की तरफ अगला प्रश्न देखते हैं एक लाउड स्पीकर में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार यह है टाइप ऑफ एनर्जी चेंज दैन टेक प्लेस इन अ लाउड स्पीकर इज लाउड स्पीकर मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं hmm. so जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है या ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है यह है ऑप्शन जी जी सो so गाइज आपके सामने चार ऑप्शन है लाउड स्पीकर की बात की जा रही है सो so स्पीकर में कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है तो जब भी आप लोग स्पीकर स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है और विद्युत ऊर्जा के द्वारा ध्वनि ऊर्जा बनती है सो so यहाँ पर जो प्रश्न होगा आ, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर जो होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में तो पहला ही उत्तर बिल्कुल सही है ठीक है पहला ही ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है द टाइप ऑफ एनर्जी दैट चेंज इन प्लेस ऑफ लाउड स्पीकर तो लाउड स्पीकर जब बचता है विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में जो है कन्वर्ट होगी चले अगला प्रश्न देखिएगा ध्वनि की पीच निम्न में से किस पर संब, किससे संबंधित है पीच किससे रिलेटेड होता है यह है प्रश्न ऑप्शंस है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति दूसरा है इंटेंसिटी मतलब तीव्रता तीसरा है आयाम मतलब एम्पलीट्यूड चौथा है प्रबलता मतलब लाउडनेस या स्ट्रेंथ इसकी जगह पर आप जो है लाउडनेस भी लिख सकते हैं ठीक है चल बताए इसका उत्तर क्या होगा ओके सो so, प्रश्न बहुत अच्छा है ध्वनि के पीच का संबंध किससे होगा वेरी गुड सभी को इसका उत्तर पता है ठीक है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितनी तरंग का निर्माण हुआ है वेव इन वन या एक सेकेंड में किसी भी कंपन करने वाले कर्ण ने कितने कंपन किए हैं मतलब वाइब्रेशन इन अ सेकेंड या हम लोग कह सकते हैं वाइब्रेशन इन अ सेकेंड वेव जनरेट इन अ सेकेंड ऑसिलेशन इन अ सेकेंड तो एक सेकेंड में कितना वो उसका होता है फ्रिक्वेंसी सो Uh, जिस भी चीज की या किसी भी साउंड की अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है सो उसका पीच बहुत ज्यादा होगा सो पीच ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी ठीक है चल, आगे देखिए मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा कितनी होगी फॉर द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज पीच का मतलब होता है कितना ज़्यादा हाई नोट जैसे आप एक उदाहरण देती हूँ मैं आ, देव जैसे कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं का पीच मतलब तारत्व बहुत ज़्यादा होता है हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं की आवाज़ बहुत पतली होती है एज़ कम्पेयर टू मेल तो क्योंकि उनके आवाज़ का पीच बहुत ज़्यादा हाई होता है तारत्व भी आप लोग इसको लो कह सकते हैं दैट मीन्स श्रीलेंस या हम लोग कह सकते हैं शार्पनेस वो होता है पीच ठीक है अगला है हम कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं बीस हज, आ, हजार से दस हजार बीस हर्ट से बीस आ, मतलब दो सौ हर्ट्स या बीस हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स या ट्वेंटी हर्ट हर्ट्स टू टेन थाउजेंड हर्ट्स सभी को पता है मानवता की मानव की श्रव्यता की सीमा या परास कितना होता है तो ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स इज द राइट आंसर हम लोग जो है बीस हजार हर्ट्स या हम ट्वेंटी के हर्ट्स का साउंड भी सुन सकते हैं वह लिखा वही है बस लिखने का तरीका मैंने बदला क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलता है आप सभी को पता है ना थाउजेंड को के हम लोग लिख सकते हैं किलो का के तो 20 किलो हर्ट्स भी वही हो सकता है so, सो 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स या बीस हजार हर्ट्स के बीच का जो फ्रिक्वेंसी का जो साउंड है हम लोग उसको सुन सकते हैं ठीक है? चल अगला प्रश्न ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है ठीक है नॉइस नॉइस मतलब शोर मतलब क्या होता है वो ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है अप्रिय का मतलब है कि वो साउंड जो हमारे कान को सुनने में अच्छा अच्छा नहीं लगता ठीक है उसको हम लोग कहते हैं नॉइस या शोर ठीक है जी। so guys, अगर बात किया जाए तो शोर के लिए क्या उदाहरण नहीं है विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि शोर का उदाहरण नहीं है क्या या कारखानों की ध्वनि या वाहनों की ध्वनि या वाद्य यंत्रों से निकली हुई ध्वनि इनमें से क्या शोर नहीं पैदा करता सु so जो कानों को प्रिय लगता है वो शोर नहीं होता वो मधुर स्वर संगीत या ध्वनि होता है तो संगीत के बाद यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि शोर नहीं लगती है इनके कंपेयर में ठीक है so सो डी बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है चले अगला प्रश्न देखेंगे घंटिया धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में कैसी होती है बेल्स आर मेड ऑफ metal बिकॉज दे आर डैश इन नेचर ठीक है ये है प्रश्न चलिए तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि घंटियां हमेशा धातु की ही क्यों बनी होती है जब भी हम लोग जाते हैं मंदिरों में सो मंदिरों में जितनी भी घंटियाँ होती है वो जनरली मेटल्स की बनी होती है या अलॉय की बनी होती है दैट मीन्स मिश्र धातु पर है तो धातु ना, जैसे अगर मैंने बोला पीतल की है सो ब्रास है या ब्रॉन्स है मतलब कांसा है या पीतल की घंटियाँ हैं क्योंकि वो तो रस्ट प्रूफ होती है इसलिए उनका यूज़ किया जाता है है ना या तो चांदी की भी घंटियाँ लगी होती है सोने की भी घंटियाँ होती है सो ये जो बेल्स बनती हैं या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अगर बेल है तो भी इसमें मेटल ही लगा होता है ना क्यों क्योंकि वो नरम होता है वो आघात वर्धनीय होता है वो ध्वनिक होता है वो तन्य होता है देखिए धातु की घंटियां इसलिए बनाई जाती है क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती है सोनेरस होती है ठीक तो है आघात वर्धनीय तो ठीक है देखिए धातु के कुछ गुणधर्म होते हैं जैसे कि धातुएं जो है वो आघात वर्धनीय होती है वो तन्य भी होती है वो मजबूत होती है वो कठोर होती है वो ठोस होती, होती है और ध्वनिक भी होती है सो घंटियों में हम लोग आ, सिर्फ धातु का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वैन वी जस्ट स्ट्राइक अ मेटल ऑब्जेक्ट ऑन अ वॉल सो so, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है एक गुंजन के साथ पैदा करता है आवाज पैदा करती है मेटल्स सो धातुओं का ये गुण होता है तो धातु एक ध्वनिक होती है इसलिए हम लोग घंटियों का घंटियों के अंदर जो है धातु का इस्तेमाल करते हैं हाँ, आघातवर्धनीय भी है तन्य भी है सॉफ्ट भी है पर यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ध्वनिक होगा ठीक है जी सोना तोमर जी गलत उत्तर हो गया कोई बात नहीं छोटेलाल अगले क्वेश्चन पर ट्राई करिएगा है ना चलिए सातवें नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता निम्न के अनुपातिक होती है थैंक्स अमित। अच्छा पहले सी ही लगाया था चलिए ठीक है चले तो गाइस यहां पर सातवें नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके अनुपाती होती है चार ऑप्शन है आपके पास कंपन के आयाम का आधा चले कंपन के आयाम का आधा या कंपन का आयाम या कंपन के आयाम का वर्ग मूल या कंपन के आयाम का वर्ग ध्वनि की प्रबलता किसके अनुपातिक होती है प्रबलता दैट इज लाउडनेस चलिए इस प्रश्न का अधिक अधिकतर उत्तर मुझे जो दिख रहा है वो उत्तर नहीं है मतलब आप गलत लगा रहे हो मेरे ख्याल में हम्म चले मतलब ओके चले इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली चीज ध्वनि की प्रबलता किसके अनुपातिक होती है प्रपोशनल बोला है प्रपोशनल बोला है ठीक है अब गाइस यहां पर सुनना लाउडनेस का मतलब क्या होता है जोर से अब लाउडनेस ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड हमेशा सभी को पता है कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है जितना ज़्यादा बड़ा आयाम होगा उतना ज़्यादा प्रबलता होगा ठीक है सो हमेशा कंपन जो होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विक्षोभ किसी भी कंपन करने वाले कण का वो होता है आयाम अब जितना ज़्यादा आयाम उतनी ज़्यादा प्रबलता तो कंपन के आयाम का वर्ग ये बिल्कुल सही होगा ठीके सो so, यहां पर ध्वनि की प्रबलता निम्न के अनुपातिक होता है ठीक है so, तो प्रपोशनल होता है आयाम का वर्ग सो so, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी होगा ठीक है सो गाइज सातवें नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी ठीक है चल अगले प्रश्न पर जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मानव कान में कंपमान हिस्सा कौन सा होता है ह्यूमन का जो ईयर है अच्छा इंग्लिश में ऑप्शन सेम सेम थे क्या रुकिए मुझे देखने दीजिए ओके 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 अच्छा यहां पर सुनना इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन है यहां पर स्क्वायर रूट uh, दिया है यहां पर स्क्वायर करना सिर्फ ठीक है वो थोड़ा सा करेक्शन करना मैं करवा दूंगी उसको ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मानव कर, कर्ण में कंपमान हिस्सा कौन सा होता है सो so, अगर आपको पता है कि मानव कर्ण कैसा है तो नहीं पता तो मैं बता देती हूं जैसे मान लो ये एक ईयर है ठीक है यहां से ईयर से जो है एक ईयर कैनाल निकला है ठीक है यहां पर कान का पर्दा होता है यहां पर तीन हड्डियां होती है ठीक है मैलस इनका स्टैपिस Uh, सभी को पता है यहां से एक खॉकलिया होता है और यहां से जो है आपकी ऑडिटरी नर्व निकलती है जो ब्रेन तक जाती है सो so, अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया मैंने बहुत रफ सा डायग्राम बनाया ना चले एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल ह्यूमन ईयर का क्या होता है पिन्ना पिन्ना मतलब ये होता है कर्णपाली लोब मतलब ये वाला हिस्सा कर्ण नली का मतलब ये नली और कर्णपट्ट मतलब पर्दा ईयर ड्रम तो क्या लग रहा है आपको चले वेरी गुड इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ड्रम कर्ण का पट्ट मतलब कान का पर्दा देखो साउंड क्या है ध्वनि एक प्रकार का कंपन है एक वाइब्रेशन है तो जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे बोलने से ये हवा के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन होगा और अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है तो उस व्यक्ति के कान के ये जो कर्ण पल्लव है या जिसको हम लोग पिन्ना कहते हैं इस पर जाके वो टकराएगा और टकराने के बाद यहाँ से, से जो साउंड है वो कर्ण नलिका या ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम पे जाके धड़म हो जाएगा मतलब सारे के सारे जो पार्टिकल है वो ड्रम पे जा करके टकराएंगे वो ड्रम मतलब आपके कान का पर्दा वो पर्दा हिलता है उससे वाइब्रेशन तीनों हड्डियों को हिलाते हैं फिर कॉकलिया एंड देन ऑडिटरी किनार तक जाते हैं सो अल्टीमेटली जो है इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ईयर ड्रम होगा ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन ऐसी कौन सी तरंग है hmm. ऐसी कौन से तरंग है जिसका जिसको संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए है ना सो विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन आपको यह बताना है दीपिका वर्मा आपका कमेंट दिखाई दे रहा है मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है चले किस तरंग को संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए साउंड वेव समुद्र की तरंग भूकंप की तरंग या प्रकाश की तरंग चार में से उपयुक्त चारों में से ऐसी कोई तबी वेव है जिसको संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए डी बी डी बी डी ओके ठीक इस प्रश्न का उत्तर मैं बताती हूं सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स यहां पर बी लगा रहे हैं वो ऐसा भी नहीं है ठीक है यहां पर जो सही उत्तर है वो है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग या लाइट वेव जो होती है ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग को कभी भी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो यहां पर जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो है प्रकाश की तरंग प्रकाश की तरंग को कभी भी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती सो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है, ओके चले अगला देखेंगे जब हम टेलीविजन की आवाज तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे हैं हम्म गोलू ने पूछा है यहां पर जब कान का पर्दा वाइब्रेट होता है तो हमें कुछ क्यों नहीं सुनाई देता कारण है उसका गोलू क्योंकि वो उसका जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेट होता है ऐसे जोर से हिलता नहीं है उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो उसके अंदर ही होते हैं ठीक है ठीके? वो एक्सटर्नल बाहर से दिखाई नहीं देते ठीक है और वो जितना भी जोर से वाइब्रेट होता होगा उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं है कि जो हमें महसूस हो ठीक है ये कारण होता है फ्रिक्वेंसी के कारण चलिए जल जब हम लोग टेल टेलीविज़न की आवाज़ बढ़ाते तो हम किसको बढ़ा रहे हैं आवृत्ति को तीव्रता को आयाम को या प्रबलता को हम जितने जोर से टेलीविजन की आवाज़ बढ़ाएंगे उतने जोर से हमको आवाज़ आएगी है ना जितने जोर से हम लोग बढ़ाएंगे आवाज़ उतने जोर से हमको साउंड आएगा तो क्या चीज़ को हम लोग बढ़ा रहे हैं यह है प्रश्न चले सो गायस जब हम लोग आवाज़ को बढ़ाते हैं तो उसको उसकी जोर से आवाज़ आती है मतलब प्रबलता उसकी तेज हो जाती है जोर से साउंड आ रहा है ना सो so, एक्चुअली हम लोग प्रबलता थोड़ी बढ़ा रहे हैं हम लोग उसका आयाम बढ़ा रहे हैं वी जस्ट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड हम लोग एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं ये एक तरंग है ये एक तरंग का माध्य स्थिति है जितना अधिकतम विक्षोभ होगा जितना ज्यादा बड़ा सा आयाम उतना तेज साउंड जितना कम छोटा सा आयाम उतना मंद साउंड मतलब अगर कोई कानों में फुसफुसाहट कर रहा है विस्पर uh, कर रहा है कान में whisper, uh, मतलब बोल सकते हैं फुसफुसाहट कर रहा है सो दैट मीन वो धीरे बोल रहा है और धीरे बोलने में उसका आयाम छोटा है तो आवाज धीमी आएगी जितना ज्यादा बड़ा आयाम उतना ज्यादा लाउड साउंड सो so हम लोग जब भी टीवी की आवाज को बढ़ाते हैं उसका आयाम बढ़ाया जा रहा है ठीक है आपका सही है पूनम दैट्स ग्रेट ओके चले अगला प्रश्न ये रहा अब ये तो बन जाएगा आप लोगों से कई चिकित्सा समस्याओं की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड उपकरण डैश आवृत्ति पर काम करते हैं मतलब कई सारे मेडिकल ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं गलत हो गया गलत हो गया कोई बात नहीं हम्म जी लवली बताएं इसका उत्तर क्या होगा ठीक है ये प्रश्न है कि अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज टू तो इन्वेस्टिगेट मेनी मेडिकल प्रॉब्लम ऑपरेट्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ है ना हम लोग मतलब हॉस्पिटल्स में कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है और जो किस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं अब ये तो सभी का सही जाना ही चाहिए आप सभी को पता होगा बीस हर्ट से कम का साउंड इन्फ्रासाक ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के बीच का साउंड ऑडिबल रेंज या श्रव्य परास और मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स ठीक है हर्ट से ज्यादा का जो साउंड होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड सो so, इस प्रश्न का उत्तर क्या है से सॉरी बीस हजार हर्ट से, से ज्यादा मतलब बी विल बी द राइट आंसर ठीक है सो बीस हजार हर्ट से या बीस किलो हर्ट से ज्यादा का साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहलाता है सोनोग्राफी में भी यही साउंड यूज किया जाता है ठीक है ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल क्या है द मिनिमम टाइम ट्रेवल ऑफ द डिस्टिंग ग्योश एंड इको फ्रॉम अ साउंड गलत हो गया शिवानी चलिए तो अभी याद रखना आप लोग अब ये है कि आप लोग अटेंड कर रहे हो सो आप लोगों को याद भी रहना चाहिए कि हाँ हाँ ये ये सब क्वेश्चन थे और जितना मेरे सेशन देख रहे हैं अगर आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं सो लाइक like जरूर करिएगा ठीक so, है चले सो अगला प्रश्न ये रहा मिनिमम टाइम ट्रेवल टू डिस्टिंग्विश एन इको फ्रॉम अ साउंड अच्छा इको प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है जैसे आप लोग पहाड़ों पे गए हो जहाँ पर बड़ी सी खाई दिख रही है आपने जोर से अपना खुद का नाम पुकारा और आपको ही अपना ही नाम बार बार सुनाई दिया होता है ना ऐसा आवाज गूंजती है दैट इज द इको आप लोगों ने कई सारे इको पॉइंट भी तो देखे होंगे जहां पर लोग जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और उनको साउंड सुनाई देता है सो इको जब होता है तो उसका न्यूनतम समय कितना होगा बताओ चार ऑप्शन लगभग सेम ही दिखाई दे रहे हैं ना पॉइंट वन सेकेंड या हम लोग बात करें किसकी वन सेकेंड या जीरो पॉइंट या टेन सेकेंड तो आपको मैं बता दू इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए पॉइंट वन सेकेंड इवन आपके ब्रेन में किसी भी व्यक्ति का साउंड भी पॉइंट वन सेकेंड के लिए ही रहता है ठीक है जीरो पॉइंट वन सेकेंड विल बी द राइट आंसर ठीक है अच्छा हर्ष बोल रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ा दूँ क्या मैं एक दिन कोई दिक्कत नहीं मैं ये चैप्टर पढ़ा दूंगी आप लोगों को ठीक है आपके एग्जाम के पहले मैं फॉर श्योर ये चैप्टर पढ़ा दूंगी ठीक है ओके अगला देखेंगे यहाँ ये तो बन जाएगा तुम लोगों से है ना चले पढ़ो तो क्वेश्चन मैं आज आपके कॉमेंट देख रही हूँ निखिल बोल रहे हैं इतना ईजी क्यों है निखिल मुझे लगता है आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए फिर और मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको 35 में से 35 नंबर मिले हैं हाँ कोई अः आ... समुद्र गहराई को कैसे मापा जाता है ऐसा बोल रहे क्या उपकरण का नाम है बेटा फैदोमीटर फैदोमीटर के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं और साथ साथ हम लोग समुद्र में छुपी हुई चीजों का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं उपकरण अगर आपने पूछा है तो फैदोमीटर विल बी द आंसर एंड अगर आप ये जानना चाह जा रहे हो कि गहराई में छुपी हुई वस्तु क्योंकि मैं कॉमन पूरा नहीं पढ़ पाई थी आपका सो उसका उत्तर होगा सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक जिसमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है ठीक है हाँ कंफ्यूजन के चलते गलत हो रहे हैं चले मैं साइड हो जाती हुँ। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं पर जलने के थोड़ी देर बाद हमें साउंड सुनाई देता है क्यों ध्वनि तरंग की तीव्रता समान है परंतु आवृत्ति भिन्न है प्रकाश ध्वनि तरंग से तेज यात्रा करता है साउंड ट्रेवल फास्ट साउंड हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय ले लेते हैं या ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से गति करती है क्या लग रहा है सभी को पता है ओके इस प्रश्न का सही उत्तर वही है जो आपको लग रहा है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है ठीक है इसका एक ये भी कारण है कि जब बिजली चमकती है मतलब लाइटनिंग होती है थंडर स्टोम आपने सुने होंगे ना बिजली के बाद लोगों की गड़गड़ाहट तो पहले हमको चमक दिखाई देती है बाद में आवाज सुनाई देती है सो उसका रीजन ये है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है ओके अगला क्वेश्चन ये रहा जब ड्रम को निर्वात में पीटा गया तो हम उसको सुन ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है क्या कारण होगा अपश्रव्य ध्वनि तरंगी उत्पन्न होती है इसलिए या ध्वनि के कंपन की, की आवृत्ति निम्न होती है इसलिए या ध्वनि के कंपन का आयाम ज्यादा होता है इसलिए या ध्वनि नहीं यात्रा करती इसलिए मिश्रा जी बोल रहे हैं कि टॉपिक वाइज करवाइए तो भैया टॉपिक वाइज ये तो चल रहा है डियर कॉन्सेप्ट बोल रहे हो क्या बीबा मिश्रा जी आ, आप एमसीक्यू का टॉपिक वाइज बोल रहे हो तो एमसीक्यू तो टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं पढ़ने का टॉपिक वाइज बोल रहे हो क्या चले ठीक है ओके आरती में आपका कमेंट देखा मैंने आपका हाँ बताएं कुछ पूछ रहे हैं क्या आप चले यहां पर पूछा गया है कि ड्रम को निर्वात में पीटा गया तो हमको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है ध्वनि कभी भी निर्वात में यात्रा नहीं करता क्योंकि साउंड एक टाइप का मैकेनिकल वेव है एंड मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम ठीक है यांत्रिक तरंग कभी भी निर्वात में नहीं चलती निर्वात में चलने वाली तरंगे सदैव विद्युत चुंबकीय होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है दूसरी चीज ये भी है साउ अच्छा इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न आपके कांस्टेबल में पूछा गया था कि एक प्रश्न ऐसा था कि दो व्यक्ति है जो चंद्रमा पर बातचीत कर रहे हैं तो उनके मध्य बातचीत कैसी हो रही होगी तेज गड़गड़ाहट के साथ दूसरा जोर से धीमे से या अपश्रव्य तो उसका भी उत्तर था अपश्रभ्य मतलब ऑडिबल नहीं था वो सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि ध्वनि नहीं चलता कई में आपकी निर्वात में ठीक है ओके गाइस सो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ आ... जितने भी विनर्स के कोर्सेस है उस पर अगर आप आ, मेरा जो कूपन कोड है दैट इज़ कोड डी एम वन ज़ीरो अगर आप ये यूज़ करते हो और आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हो लाइक मैथ्स फाउंडेशन साइंस फाउंडेशन संविधा वर्गतिन एम पी पुलिस कॉन्स्टेबल पटवारी एंड ऑल कोई भी कोर्स सो so ये उसकी फ़ी है और अगर आप दूसरे कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो सो डी एम वन ज़ीरो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड फीस ये मिलेगी ठीक है so, सो साथ ही साथ अगर आपको चल चाह रहे हो कि मैम हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हमको करना है हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है सो so, आप ये बुक परचेस कर सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से इस बुक का एक चीज एक चीज़ ये है कि थर्टी पूरा मतलब पेपर्स है इसमें प्रश्न पत्र है और अगर आपकी तैयारी अच्छे से हुई है तो इसको लगा के देखना अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं आपसे अगर ये बन जाता है तो आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली ठीक है और दूसरी चीज़ ये कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी हम लोगों की अगर आपको लगता है कि हमारा अच्छे से तैयारी हो गई है सो आप ये टेस्ट पेपर भी लगा सकते हो ऑनलाइन ठीक है चले अगला प्रश्न ये रहा ध्वनि तरंग की तीव्रता किसमें मापी जाती है या किस पे निर्धारित होती है अच्छा ये है प्रश्न व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स ध्वनि तरंग की तीव्रता किससे निर्धारित होती है ठीक है गंजन जी ये पूछ रहे हैं हम्म ये बोल रहे हैं कि आप जो है टॉपिक uh, वाइज पढ़ा दो चलिए जैसा भी अभी तो जैसे कि आज सर ने अनाउंस किया था हम लोग 25 डेज़ का जो है पूरा क्रिएश कोर्स के जैसे एम से क्यूज पी वाई क्यू करवा रहे हैं सो so, पहले अपन ये चीज़ ख़त्म कर लेंगे एंड जब टॉपिक वाइज पी वाई क्यू हो जाएंगे ना सो so, आप लोग को मैं जो है टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगी यूट्यूब पर जैसा भी होगा एक नेक्स्ट अनाउंसमेंट जब भी होगा तो हम लोग इसको भी कर लेंगे ठीक है so, सो मैं यूट्यूब पर पढ़ा दूंगी और आप वापस यही फिर पी वाई क्यू लगा लगा के देखना कि पढ़ने के बाद आपको समझ में आया भी कि नहीं ठीक है तो इतना मैं जरूर करूंगी ठीक है सो हाँ अगर आपको पढ़ा मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप लाइक भी करना उसको वीडियो को चले ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है तो इंटेंसिटी की बात की जा रही है गति पर आयाम पर तरंग पर या आवृत्ति पर क्या लग रहा है आपको हम्म चले सो so गायस ये प्रश्न नंबर है पंद्रह और पंद्रह का उत्तर क्या होगा क्या लग रहा है आपको बताएं ध्वनि तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है चले देखते हैं इस प्रश्न को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके चलिए यहां पर अगर बात करें तीव्रता इंटेंसिटी इंटेंसिटी किस चीज पर निर्भर करती है तो इंटेंसिटी आ, डिपेंड करती है दोनों भी चीजों पर देखिए एक वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आ, पहली चीज़ किसी भी ध्वनि तरंग या तरंग के क्या लक्षण होते हैं आ, इसके कई सारे लक्षण होते हैं जैसे प्रबलता हो गया या हम लोग बात करें तीव्रता हो गया या बात करें हम लोग उसकी स्पीड हो गया गुणता हो गया सॉरी तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है उसके स्पीड नहीं होता सॉरी सो so, अब अगर बात करें तीव्रता किस पर निर्भर करती है तो देखो यहाँ पर स्पीड पर निर्भर नहीं करेगी स्पीड पर कभी निर्भर नहीं करती तरंग पर भी निर्भर नहीं करती अब दो चीजें अपने पास आयाम और आवृत्ति मैंने अब आपको ये चीज बताया कि आयाम से निर्धारण होता है लाउडनेस का या बोल सकते हैं हम लोग प्रबलता का और आवृत्ति निर्भर करता है आवृत्ति से होता है पीच तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर सो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है जी तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा दैट मीन्स आवृत्ति तो इंटेंसिटी विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ठीक है चले अगला प्रश्न देखेंगे आवाज गूंजती है क्योंकि द वॉइस रेजोनेंट बिक क्या कारण होगा उसका चलिए पचास परसेंट बन रहे हैं ना तो ऐसा सोच के देखना कभी भी है ना कि भैया ये प्रश्न ऐसा है इसमें से ये कैंसिल हो रहा है ऑप्शन नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है अब बच रहे दो दो में से क्या हो सकता है फिर दिमाग लगाना फिर सोचना फिर उत्तर देखना ठीक है प्ले लिस्ट बनवाने का ना मैंने बोल दिया बेटा क्योंकि ये काम मेरा नहीं है ना तो मैंने बस बता दिया है सर को वो बता वो करवा देंगे प्ले लिस्ट बना देंगे ठीक है चल अगला देखेंगे द वॉइस रेजोनेंट बिकॉज ध्वनि के परावर्तन के कारण गूंजती है क्या आवाज या ध्रुवीकरण के कारण या अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ठीक है प्रश्न क्रमांक है सोलह ठीक है आवाज गूंजती है क्यों किसके कारण बहुत सिंपल सा प्रश्न है आप अगर जैसे कि मैंने इको भी बोला या आप एक खाली कमरे की अपन बात करते हैं आपने क्या किया पूरे घर से सामान जो है बाहर निकाल दिया आपको शिफ्ट करना है तो अब कमरा खाली खाली लग रहा है आप जोर से बोलोगे तो आप, आपको आवाज़ जोर से गूंजती हुई दिखाई देगी या कॉन्सर्ट हॉल वगैरह में भी साउंड जो है बहुत ज़्यादा जोर से आता है गूंजता है सो गूंजने का कारण होता है प्रकाश का सॉरी ध्वनि का परावर्तन ठीक है ध्वनि का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड साउंड का जो रिफ्लेक्शन है उसके कारण क्योंकि साउंड जो है टकरा टकरा के जब सुनाई देता है सो एक लाउड साउंड बन जाता है यही कारण है कि आवाज गूंजती है ठीक है अगला देखिए ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होगी वट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड Okay. ये चैप्टर पढ़ा दूं मैं पढ़ा दूंगी ठीक है होगा भैया एग्जाम क्यों नहीं होगा चले अगला प्रश्न ये रहा ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होगी है ना मैक्सिमम साउंड स्पीड किसमें होगा हम्म सो गाइस अगर बात करें ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है देखिए गाइस साउंड हमेशा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है किसके अंदर सॉलिड के अंदर आप सभी को पता है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है उससे कम फिर द्रव में फिर गैसेस में निर्वात में तो वो ट्रैवल करता ही नहीं है जैसे जैसे कोई भी मीडियम जो है डेंसर होता है घना होता है उसमें क्या होते जाता है फिर साउंड uh, जो है फास्ट ट्रैवल करता है अब गाइज यहां पर देखें शुष्क हवा में या 30 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर आद्र हवा में या 30 डिग्री सेल्सियस पर आद्र हवा में अब गाइज अगर देखा जाए देखें हाँ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं उनके आंसर मैं दूंगी पहले इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे ठीक है सो यहां पर अगर देखा जाए तो ध्वनि की गति के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है क्या क्या पहली चीज जितना माध्यम सघन होगा उतना जल्दी साउंड ट्रैवल करेगा सो so, अगर शुष्क हवा और आर्द्र हवा को कंपेयर किया जाए तो गैस की तुलना में वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा है दैट मीन्स आद्र हवा सो so, शुष्क की तुलना में आर्द्र हवा में ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी ठीक है so, सो आप गैज यहां देखना तो दो शुष्क वाले तो ऑप्शन हट गए अब यहां पर दिख रहा है जीरो डिग्री सेल्सियस पर आद्र हवा में या तीस डिग्री सेल्सियस पर आद्र हवा में अब गैस एक और चीज़ याद रखना कि जब वार्म एटमोस्फेयर होता है गर्म तापमान रहता है तो ध्वनि का जो बोल सकते हैं स्पीड है वो बढ़ जाता है क्योंकि हल्का सा टेम्परेचर राइज होने पर या तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है ठीक है सो इसका उत्तर होगा 30 डिग्री सेल्सियस पर आद्र हवा ठीक है सो डी विल बी द राइट आंसर ठीक है इस प्रश्न का सही उत्तर है डी देखना शुष्क हवा की तुलना में आर्द्र हवा थोड़ी सी ज्यादा सघन है घनी है तो शुष्क तो ऑप्शन में से हट गया दूसरी चीज आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कि बारिश के दिनों में हमको दूर दूर से भी साउंड सुनाई देते हैं और गर्मी के दिनों में भी हमको दूर दूर से साउंड सुनाई देते हैं जैसे कि गर्मी के दिनों में अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हो सुबह तो आपको दूर से ट्रेन की आवाज भी आपके घर तक सुनाई देती है कारण है हल्के से जब वातावरण में गर्मी रहती है ना तो साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करता है चल अगला प्रश्न ये रहा चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है क्यों बेट कैन फ्लाई इजीली इवन इन डार्क बिकॉज क्या होगा उसका उत्तर हुँ. जी शिवानी आपको कमेंट दिखा मुझे चलिए चले सो so क्या कारण है चिमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है हुँ। चिमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकता है वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखता है कोई भी पक्षी ये कर सकता है उनकी आंखों की पुतलियाँ बड़ी होती है इसलिए या उनके पास अंधेरे में अच्छी दृश्यता होती है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए है ना बेट जो है वो इजीली जो है आ, बोल सकते हैं हम लोग अंधेरे में देख आ, रास्ता तय कर सकता है पराध्वनि के कारण वो क्या करता है अपने जो साउंड को प्रोड्यूस करता है वो साउंड उसके माउथ से निकल करके किसी भी सरफेस पे जाके टकराएगा टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करता है और उसके पास तक वापस आता है जैसा कि बिल्कुल सोनार में होता है सो so, इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा ठीक है चल अगले प्रश्न पर जाएंगे हम लोग राइनोसोरिस की ध्वनि उत्पन्न करने की आवृत्ति कितनी है द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड इन राइनोसोरिस जिनको नहीं पता राइना तो उसको हिंदी में हम गेंडा कहते हैं जी हम्म रात में क्या बोल रहे हैं आप हम राजपूत जी पूछ रहे हैं तो लाइट स्पीड क्या है मेरा कमेंट नहीं देखा प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ डियर कम से कम तीन बार यूट्यूब पर पढ़ा दिया आप एक बार देख लो थ्री इंटू टेंट दावर एट मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश चलता है निर्वात में जैसे जैसे माध्यम जो है सघन होता जाता है प्रकाश की चाल धीमी होती जाती है निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणित दस की घाट आठ मीटर पर सेकंड होता है इसी का अगर मैं बोलूँ वायु में टू पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकंड होता है जल में टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकंड होता है बात करें कांच में तो टू इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाता है प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है कितनी ध्वनि उत्पन्न करने की आवृत्ति है पांच हर्ट ठीक है हाँ जी क्लास रोज रहती है टू अब पर सुनना गेंडा है या हाथी है ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या यूज करते हैं कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक का मतलब होता है आपका कौन सा साउंड ऐसा साउंड वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट से कम हो हमने ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा है इंफ्रासोनिक ऑडिबल रेंज एंड अल्ट्रासोनिक साउंड अवश्रव्य श्रव्य और पराश्रव्य अवश्रव्य मतलब ऐसी ध्वनि तरंग जिसकी फ्रिक्वेंसी बी सर्ट से कम हो हम या आप उसको नहीं सुन सकते हैं ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हाथी है जो राइनोसॉरिस है ये इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं यही कारण होता है कि जो वो, 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 वेल मछली वगैरह भी भी सुन सकते हैं यही कारण होता है जब भूकंप आता है तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है सेस्मिक वेव्स का जनरेशन होता है तो उनके वेव्स के बनने के कारण इतनी कम फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी बन, बन, बनती है या उत्पन्न होती है तो ये जितने भी जलीय जीव जो है ना वो भी इस फ्रिक्वेंसी को समझ जाते हैं और वो भी अपनी जगह को बदल लेते हैं ठीक है so, सो ऐसा भी होता है जलीय जीवों को पहले पता चलता है भूकंप आने का सेम वैसे ही लैंड के ऊपर हाथी है रायनेस से इनको भी क्योंकि फाइव फोर्स तक का साउंड सुन लेते हैं ठीक है मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस पढ़ाती हूं डियर चले उत्पन्न भी कर सकते हैं ये फाइव हर्ट्स तक का साउंड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं बिलो ट्वेंटी हर्ट्स तक का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है हाँ बिल्कुल थैंक यू सो मच शिवम हम्म चले अगला देखेंगे धातु अनुभाग में क्रॉस और दरारों को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फाइंड द क्रॉस एंड क्रिक्स इन द मेटल किसका यूज करते हैं चले इसका उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव के अपने अलग अलग कई सारे यूजेस हैं। ठीक है रेडियो तरंगे इसका उत्तर नहीं होगा अल्ट्रासोनिक होगा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स मतलब बीस हजार हर्ट से ज्यादा का साउंड इसका यूज़ हम लोग कई सारी चीज़ों में करते हैं लाइक खदानों में भी पत्थरों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है धातुओं में दरारों का पता लगाने के लिए करते हैं इवन नालियों की सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोपी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सोनोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सो देयर आर लॉड ऑफ यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से हम लोग क्रॉस एंड क्रिक्स को मेटल में भी डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है जीके? चले ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होगी चलो इस प्रश्न का कहीं ना कहीं मैंने उत्तर अभी दे दिया था पर आप इसका उत्तर दो दर्पण का टेस्ट लेना है ना मैं ले लूँगी बिल्कुल मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर दर्पण तो मैं इसका टेस्ट भी जल, जरूर से ले लूँगी मंडलोई जी पूछ रहे हैं ये ऐसा कैसे आया कहाँ से आया तो भैया एक बार लाइट चैप्टर पढ़ लो आप है ना उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है किसमें हे भगवान कौन है ये बच्चे जो निर्वात लगा रहे हैं? इतना मेरे बताने के बावजूद कि ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चलती निर्वात कैसे लगा रहे हैं? है? हे? निर्वात कभी नहीं हो सकता वैक्यूम नहीं होगा बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम मैकेनिकल वेव है वो यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चलती ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है मतलब ठोस में होती है और उपयुक्त में से ठोस तो मुझे एक ही दिख रहा है स्टील, मतलब ठीक है? अगला मंदिर में बड़े आकार की घंटियां क्यों बनाई जाती है ऊंची पीच की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्रबल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऊंची गुणता की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए या सुंदरता समृद्धि के लिए मतलब सुंदर दिखे इसलिए या ज्यादा पीच का साउंड उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग या ज्यादा जोर से लाउड साउंड उत्पन्न कर सकते हैं क्या कारण होगा चले ट्वेंटी टू नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भैया मंदिर में छोटी घंटियां भी लगा सकते हैं पर बड़ी क्यों लगाते हैं सुंदर दिखे इसलिए जोर से साउंड आए इसलिए किस लिए चल सो so मैं बता देती हूं ऊंची पीच की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए पीच का संबंध पतली आवाज से होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रबल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यह ज्यादा सही है टू प्रोड्यूस अ लाउड साउंड जितना बड़ी घंटी होगी या घंटा होगा ज्यादा जोर से वो साउंड प्रोड्यूस करेगा अब छोटी सी एक बेल है एक बड़ी सी घंटी है दोनों के साउंड को अगर क्रिएट करोगे बनाओगे या जोर से घंटी को बजाओगे सो आपको पता चलेगा कि बड़ी वाली का साउंड ज्यादा है सो ज़्यादा लाउड साउंड डेवलप करने के लिए बड़े आकार की घंटिया बनाई जाती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जब किसी तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के ही लंबवत चलते हैं अच्छा प्रश्न है ये एक्चुअली ये परिभाषा है की। ले सकते हैं आप रणधीर चले अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि कोई एक तरंग है जो माध्यम में कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कार्य करते हैं मतलब द पार्टिकल ऑफ द वाइब्रेटरी पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेट मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपागेशन हो रहा है, यदि उसी में भी हो रहा है तो वे कौन सी होगी nice well. अनुदेर्ध तरंग या रेडियो तरंग वेरी गुड गाइज बहुत सही इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अनुदेर्ध दे तरंग देखना जब भी हम लोग बात करते हैं कि ध्वनि क्या है सो so, एक शब्द में उत्तर दू तो ध्वनि एक कंपन है कंपन इट इज अ वाइब्रेशन जैसे तरंग क्या है एक शब्द में उत्तर तरंग एक विक्षोभ है वेव इज अ डिस्टर्बेंस एक एक शब्द में हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया उसको वेव क्या है वेव डिस्टर्बेंस है तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में कंपन करने वाले कण करन के कारण पैदा होता है तो ध्वनि क्या है कंपन है वाइब्रेशन है अब वाइब्रेशन अगर आ, किसी भी आ, मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर हो रहे हैं स so वो तरंग कौन सी होगी माध्य स्थिति के लंबवत अगर हो रहा है तो ये तरंग अनुप्रस्थ है और माध्य स्थिति में उसी दिशा में तरंग चल रहा है जिस दिशा में कंपन करने वाला कण चल रहा है तो वो होगी ठीक है सो आंसर विल बी सी चले ओके अगला क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या कहलाती है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड कैलविन वोल्टेज डेसिबल म्यू चले वैज्ञानिक नाम वाली क्लास ले लें सुरेश ऐसा बोल रहे हो रंजना लोधी जी आपका कमेंट मुझे अभी दिखाई दिया बताएं क्या पूछना चाह रहे हो आप कंफ्यूजन से गलत हो गया ठीक है चौबीस नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है सभी को पता है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में मापा जाता है डेसीबल उसका यूनिट है यहां तक कि हम लोग नॉइस को भी हम लोग डेसीबल में मापते हैं कितना शोर हुआ है उसको भी डेसीबल में ही मेजर करते हैं यंत्र बासुरी बांसुरी का उपयोग कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं बांसुरी के बारे में आप सभी जानते हैं कि बांसुरी क्या होता है उसमें साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ये है प्रश्न ठीक है सो so, बांसुरी के अंदर या वाद्य यंत्र के अंदर किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है द इंस्ट्रूमेंट फ्लूट प्रोड्यूस साउंड बाई यूजिंग आर्ट है ये एक कला है जिससे आप ध्वनि उत्पन्न कर सकते हो बांसुरी में से या कोई तार है या वायु स्तंभ है या खोखली नली है ओके okay, कल का टॉपिक बहुत अच्छी चीजें अच्छा याद दिलाया कल का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम मानव के शरीर के तंत्र सो so, आप गाइस आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि सिस्टम तो बहुत सारे हैं भैया पाचन उत्सर्जन परिसंचरण शुरसन कंकाल तंत्र प्रजनन अंतस्त्रावी तंत्रिका एंड ऑल सारे सिस्टम से मिला के होंगे तो कल की क्लास को अपने दो भागों में बांटा है कल की क्लास का भाग पहला और परसों भाग दूसरा मतलब सिस्टम की दो क्लास रहेगी आपकी पीवाई क्यू की कल की और परसों की बाद यंत्र अंदर के अंदर एयर कॉलम का यूज किया जाता है आप सभी को पता होगा कि बासुरी जो होता है फ्लूट जो होता है वो होलो होता है अंदर से खोखला होता है पर इसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस भी बने होते हैं छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जो है एरेशन होता है और साउंड सुनाई देता है ओके चलिए अगला जब हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं ऐसा होता है क्योंकि वेन वी स्पीक वी मेक साउंड क्यों ऐसा क्यों, क्यों होता है हमारे गले में ऐसा क्या है आप सभी को पता होगा देखो कि हमारे गले में एक स्वर यंत्र होता है दैट इज द लेरिंग्स लेरिंग्स कहा जाता है स्वर यंत्र ध्वनि उत्पादक यंत्र है स्वर यंत्र में ऐसा क्या होता है जो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है अः तो भैया हमारे गले के अंदर स्वर रज्जु होते हैं देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड हमारे गले में वोकल कॉर्ड होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है ठीक है सो वोकल कॉर्ड तन जाते हैं इसलिए साउंड आता है हो 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 जाते become हो जाते मोटे हो जाते जाते हैं, 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 हैं मोटे सूख या कंपन करते हैं इसलिए साउंड प्रोड्यूस होता है ट्वेंटी प्रश्न है बताएं इसका उत्तर क्या होगा क्या कारण होता है ठीक है बताएं। देखिए सिंपल सी बात है साउंड एक प्रकार का वाइब्रेशन है तो जब भी आप लोग बोलते हो तो आपको यहाँ पर एक कंपन फील होता है वाइब्रेशन फील होता है राइट पर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते इसलिए नहीं साउंड प्रोड्यूस होता जब भी आप जितनी बार बोल रहे होंगे उतनी बार आपके वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होते हैं पास आते हैं स्ट्रेच होते हैं पास आते हैं इसका उत्तर होगा तन जाते हैं ठीक है सो so, किसी ने भी इसका उत्तर सही नहीं लगाया वाइब्रेशन हमको सुनाई देता है पर वो वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड के तनने और पास आने के कारण तो so, उसमें स्ट्रेचिंग होता है और इसीलिए उसके तने के कारण ही जो है आपका साउंड प्रोड्यूस होता है तो तन जाते हैं इज द राइट आंसर अस्पतालों की चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा निदान में ध्वनि के स्रोत का प्रयोग किया जाता है सो so, ये लगभग मिलता जुलता प्रश्न है जो कि मैंने अभी आपको करवाया था hmm. चले अस्पताल में हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के आ, किस स्त्रोत का यूज करते हैं तो उसमें क्या फ्रीक्वेंसी होता होगा है ना सो देखिए अश्रव्य ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि ध्वनि श्रव्य ध्वनि या इनमें से कोई नहीं तो अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के निदान में ध्वनि का स्त्रोत पराश्रव्य होता है अल्ट्रासोनिक अभी हमने लगभग इसके मिलता जुलता ही प्रश्न किया था तो इस प्रश्न को मैं स्किप अब आगे बढ़ा रही प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है अभी कहीं ना कहीं मैंने इस एक घंटे के अंतर्गत ही इसका उत्तर दिया था कि एक सेकंड में होने वाला क्या कहलाएगा एक सेकंड में बने कंपन वाइब्रेशन इन ए सेकेंड ऑसिलेशन इन ए सेकेंड मतलब दोलन की संख्या एक सेकंड में या वेव जनरेट इन अ सेकेंड तरंग का निर्माण एक सेकेंड में यह सभी क्या कहलाता है प्रति सेकेंड में होने वाले दोलन प्रति सेकेंड में होने वाले कंपन या प्रति सेकेंड में बनने वाली तरंग ये सभी क्या है जी बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर बिल्कुल फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं एक सेकंड में कितनी बार हाउ मेनी टाइम इन अ सेकेंड एक सेकंड में कंपन भी फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में जितनी तरंग बनी है वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है और जितने दोलन हुए हैं ऑसिलेशन इन ए सेकंड वो भी फ्रीक्वेंसी है चले अगला प्रश्न है किन्हीं दो निकटवर्ती श्रृंगों और गर्तों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी सो भैया ये एक तरंग है और ये निकटवर्ती श्रृंग है और ये निकटवर्ती गर्त है इनके मध्य की दूरी क्या है आवृत्ति रंगदेर्ध आयाम या चाल जी चलेगा इस यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी एडजेंट क्रस्ट और इसका उत्तर होगा तरंग दीर्घ वेव लेंथ विल बी द राइट आंसर दो समीपस्थ तरंग आ, मतलब एक किसी भी तरंग के दो श्रृंगों के मध्य की दूरी या दो गर्तों के मध्य की दूरी भी तरंग दीर्घ है या दो समीपस्थ विरलनों के मध्य की दूरी और संपीड़नों के मध्य की दूरी भी तरंग दीर्घ कहलाती है लेमड़ा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है क्योंकि तरंग दीर्घ मतलब क्या वेव लेंथ मतलब क्या तरंग की लंबाई और लंबाई का मात्रक होता है मीटर तो तरंग दीर्घ को मीटर में मापा जाता है ठीक है क्या चल रहा है भैया मैंने गलत पे टिक कर दिया वेट मुझे चेक कर लेंगे बेटा आवृत्ति तो बताया था मैंने इसको इसमें अल्ट्रासाउंड आएगा सही है बेटा मैं वापस से आपको 25 रिपीट करवा दूं 25 का उत्तर है सी वायु स्तंभ छब्बीस का उत्तर है तन जाते हैं सत्तावीस का उत्तर है पराश्रव्य अट्ठावीस का उत्तर है आ, आपकी आवृत्ति आवृत्ति बताया मैंने 29 दो इसका इसका उत्तर तरंग देर दे होगा ठीक है चलिए कुछ कंफ्यूजन हुआ है क्या आपको चले किसी माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विक्षोभ तरंग का क्या कहलाता है भैया ये है माध्य स्थिति अधिकतम विक्षोभ उसका आयाम कहलाता है आयाम का इंग्लिश जो है बेटा उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं एम्पलीट्यूड ठीक है माध्य स्थिति के डायमेंशन भी कह सकते हैं ट्वेंटी थ्री नंबर का क्वेश्चन देखें चले ठीक है लास्ट में बताती हूँ ठीक है कृष्णा मैं एक बार देख लेती हूँ विकास चलिए 23 को देख लेंगे अपन लास्ट में ठीक है तो माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विक्षोभ उसका आयाम कहलाता है ठीक है चल मैं 23 नंबर का प्रश्न निकाल देती हूँ देखते हैं इसमें क्या हो गया यहां पर जब किसी 23 नंबर का प्रश्न बोल रहा हूं ना बेटा जब किसी तरंग में माध्य स्थिति के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत अक्ष अच्छा, लंबवत कंपन करते हैं अच्छा परपेंडिकुलर ही था सॉरी मैंने यहाँ पर पढ़ने में मिस्टेक कर दिया ओके 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 आई मेड माई मिस्टेक आई एडमिट माई मिस्टेक अच्छा माध्य स्थिति के लंबवत बोला है परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वह अनुप्रस्थ होगा ठीक है ठीक है बेटा ठीक है ठीक है मैंने प्रश्न दूसरा पढ़ लिया था अगर यहां पर ऐसा होता कि कोई तरंग है ठीक है ठीक है तेवीस नंबर का उत्तर जो होगा अनुप्रस्थ होगा अगर ऐसा प्रश्न होता कि किसी तरंग की संचरण की दिशा के आ, दिशा में ही अगर कंपन करने वाला कण चल रहा है तो वह अनुदीर्घ होता ठीक है ओके थैंक यू सो मच क्लास आ, आप लोगों ने ध्यान रखा और उसको करेक्ट करवाया नहीं तो बच्चों तक गलत जानकारी चली जाती देखना याद रखना जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कि तरंग का संचरण जिस दिशा में हो रहा है ठीक है उसके अगर लंबवत ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर अगर वेव का आ, बोल सकते हैं फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर नीचे की तरफ तो वो क्या होता है अनुप्रस्थ होता है ठीक है और अगर माध्य स्थिति में उसी दिशा में जिस दिशा में तरंग चल रहा है मा कंपन हो रहा है तो वो अनुदैर्ध्य होगा चले वेरी गुड आ right, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर थर्टी नंबर का ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करना चाहिए ठीक है हाँ भारती मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं सारे मिल जाएंगे आपको चलिए यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे ठीक है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए मोटर वाहन से प्रभावशाली सुरक्षात्मक प्रयोग करना चाहिए या सड़क के किनारों पर वृक्ष लगाने चाहिए या लाउड स्पीकर एवं शोर उत्पन्न करने वाले संगीत वादकों को प्रतिबंधित करना चाहिए या उपरोक्त तो सभी अगर हमको ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए ठीक है मोटर वाहन का सुरक्षात्मक प्रयोग करना चाहिए तो यह भी सही है ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ये भी सही है, है। सारे ही सही है मतलब इस प्रश्न का उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबाव डी इज द राइट आंसर ठीक है ठीक है चल अगला प्रश्न देखेंगे दीर्घ अवधि तक जारी रहने वाले प्रबल शोर से क्या हो सकता है अगर हम लोग कंटिन्यूशन में किसी नॉइस के किसी साउंड के कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या हो जाएगा आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा कान के पर्दे में क्षति हो जाएगी आपकी तंत्रिकाएं ब्लॉक हो जाएगी या सभी कुछ हो सकता है बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ठीक है दीर्घ अवधि तक अगर आप कंटिन्यूशन में एक जैसे तेज वाले साउंड में अगर रहते हो तो क्या असर हो सकता है बताएं इसका उत्तर क्या होगा हाई बीपी होगा नर्व ब्लॉकेज हो जाएगा सभी होगा क्या होगा बताए बत्तीस नंबर का प्रश्न चल सबसे पहली चीज अगर आप कंटिन्यूशन में साउंड या नॉइस के पॉल्यूशन नॉइस के साथ रहते हो तो आपके कानों के पर्दों को क्षति पहुंचेगी तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी ठीक है so, सो कान के पर्दे की क्षति बिल्कुल सही होगा अगला है ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है एक साउंड वेव एक किस टाइप की वेव है बताएं एक ध्वनि तरंग किस प्रकार की वेव है अनुप्रस्थ है 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 अनुप्रस्थ विद्युत या भूकंपीय तरंग है देखिए सबसे पहली चीज अगर आप बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहते हो नॉइस के तो जो मेजर आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं पहला सिम्टम होता है कि व्यक्ति के कान के पर्दों में दर्द हो सकता है दूसरी चीज व्यक्ति को आ, बोल सकते हैं हम लोग सिरदर्द हो सकता है हेडेच हो सकता है उस व्यक्ति का आ, मतलब चिड़चिड़ाहट हो सकती है और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है चले ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है वॉट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव तो आप सभी को पता होगा ध्वनि तरंग एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडल वेव है या अनुदीर्घ तरंग है कारण उसका यह है क्योंकि जिस तरंग तरंग की दिशा जो होती है उसी दिशा में कंपन करने वाला कण करन भी आगे की तरफ दिखता है या जाता है ठीक है सो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी चले उपयुक्त में से कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है विच ऑफ ऑफ अबाउ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड लाउडनेस पीच क्वालिटी या स्पीड क्या लग रहा है आपको एक पूरा वेवलेंथ क्या होता है ये पूछ रहे हो क्या हम्म एक पूरा वेवलेंथ क्या होता है चलिए मैं बता देती हूं वेवलेंथ या तरंग दीर्घ क्या होता है एक चीज याद रखना बेटा तरंग दीर्घ का कभी भी ये मतलब मत निकालना कि एक श्रंग और एक गर्द के मध्य की दूरी बिल्कुल नहीं गलत हो जाएगा वो अगर जब भी हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की तो लैमडा की तो वेवलेंथ क्या होता है दो निकटवर्ती श्रृंगों या दो निकटवर्ती गर्तों के मध्य की दूरी या अगर आप इसको तरंग में देखते हो तो आपको पता होगा कि जो पास पास लाइंस है ये संपीडन होता है, होता है है दूर दूर लाइनें को विरलन कहते हैं तो संपीडन और विरलन के मध्य की दूरी नहीं होगा दो निकटवर्ती संपीडनों के मध्य की दूरी भी तरंग देर है और दूर दूर मतलब विरलन और दो विरलनों के मध्य की दूरी भी तरंग देर्य होगा संपीडन विरलन मत करना गलत हो जाएगा चले कौन सा ध्वनि का गुण नहीं है तो चाल स्पीड बिल्कुल नहीं है चाल इसका उत्तर होगा गुणता साउंड की प्रॉपर्टी होती है गुणता बिल्कुल गुण है कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का लाउडनेस है तारत्व है गुणता है इंटेंसिटी है ये सब साउंड के कैरेक्टरिस्टिक है पर जो नहीं है वो है चाल ठीक है चले आवृत्ति का ऐसा ही मात्र क्या है आवृत्ति को किसमें मेजर किया जाता है कंटिन्यूशन में हेडफोन लगाने से बिल्कुल आपके कान के पर्दे को क्षति पहुंच सकती है व्यक्ति के सुनने की क्षमता धीमी हो सकती है कम हो सकती है ठीक है चल, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आवृत्ति का ऐसा ही मात्र क्या है फ्रिक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं मीटर सेकेंड डेसीबल या हॉर्ड बिल्कुल सही हैंनरी हर्ट्स के नाम पर ही इसका मात्रक रखा गया है जिसको एच्स एच जैड के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो फ्रिक्वेंसी का जो मात्रक है या आवृत्ति का जो मात्रक है वो है हर्ट्स ठीक है चले सो so स मैंने आपको सारी जानकारी दे दी आपको ये वाला जो पी है ये द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के नाम पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा और आज हम लोगों ने जितना भी ये किया है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इस पी को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक like ज़रूर करिएगा कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और कल हम लोग एक नया टॉपिक का पी वाई क्यूज़ करेंगे जिसका नाम है मानव शारीरिक तंत्र मतलब ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स ओके सिया गुड नाइट टेक केयर